नमस्कार, glubs.in में आपका स्वागत है। विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने बोतल से एक बार फिर पनामा का जिन बाहर निकाला। भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता बुलाकर भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के सांसद अभिषेक सिंह ही पनामा के अभिषेक सिंह हैं। तो लगे हाथ उन्होंने सांसद की पत्नी ऐश्वर्या सिंह को भी विवादास्पद कंपनी का शेयर होल्डर बताकर घसीटने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स की जांच खारिज होने की अफवाह भी भाजपा फैला रही है। मानसून सत्र के समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव को गले लगाया था। इसके बाद अचानक कांग्रेस की राजनीति गर्मा गई, लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष के पनामा के जिन को बोतल से निकालकर एक बार फिर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस हमले में उनका साथ बृजेश चौबे ने भी दिया। उन्होंने तो एक ही झटके में मुख्यमंत्री, सांसद अभिषेक सिंह और प्रधानमंत्री मोदी से थोक में इस्तीफा मांग लिया। वो तो अच्छा हुआ कि उनको वहां मौजूद संवाददाताओं ने सवाल करके रोक लिया, वरना वो और कितनों के इस्तीफे मांगने लग जाते। स्पष्ट हो गया है कि अभिषेक सिंह दोनों एक है और रमन मेडिकल स्टोर का पता दिया था, वो भी सच साबित हो गया। और अब अभिषेक सिंह को ये स्वीकार करना चाहिए कि विदेश में काला धन है, ये उन्हीं का है। अभिषेक सिंह ये कहते हैं कि विदेश में मेरा कोई खाता नहीं है। For more information, log on to www.glubs.in.